मतलब बाबा जी आप बताइए कि आप किनको सरकार चाहते हैं, मोदी जी या तेजस्वी यादव? ना बिहार में तो तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव उनका है, मोदी जी का है। इस बात को समझिए, कल हमारा रहने वाला के बेचारा के चार साल के बाद नौकरी के बाद वो आएगा रिजाइन मार के तब पकौड़ा तलेगा। सुनिए नरेंद्र मोदी सुनिए ना, हाँ 2014 से लेके 24 तक दो भैया एक सेकंड रुक जाइएगा, क्या कर रहा है मुखिया के चुनाव ना भाई मोदी लड़ जीत सका हूँ। ये बात सही है, क्या बोले क्या बोले, फिर नियम हटा दो तो मोदी मुखिया के चुनाव ना जीत सका हूँ। सही बात है, सही बात है, बेईमानी वाला सिस्टम था, विषय में पता चल गई होता। आर्थिक स्थिति को नहीं देखेंगे बिहार के लोगों, भारत के लोगों, बिहार के लोगों जो खाने के लिए तरसता है इन पे नहीं देखेंगे। उन्होंने साफ कहेंगे मैं उज्ज्वला योजना दिया, मैं उज्ज्वला योजना दिया, लेकिन आप उस योजना का तहकीकात कीजिए, आप गांव पहुंचिए, आप घर तक पहुंचिए कि आपके उज्ज्वला योजना कितने घर में यूज हो रहा है। तो नमस्कार प्रणाम, आप देखा तूफानी देख सकते हैं पटना जंक्शन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 में किनका सरकार आने वाला है, प्रधान मोदी जी और लाल यादव की, तो बात करते हैं। कल हमारा रहने वाला के बेचारा के चार साल के बाद नौकरी के बाद वो आएगा रिजाइन मार के तब पकौड़ा तलेगा। पूछिए नहीं सुनिए सुनिए, हम इस पर सोचिए चार साल अब किस माध्यम से लाए हैं? अरे मंत्री भी चुनाव लड़ता है तो 5 साल के लिए चुनाव लड़ता है, जैसे कि पूरा अपन 80-85 बरस के उम्र तक के चुनाव लड़ेगा, आज जो मेहनत करके सेना पर जाएगा वो 4 बरस का नौकरी करेगा, उसका रिटायर होना चाहिए। नरेंद्र मोदी रिटायर होकर बैठ जाएगा वो, पहले नरेंद्र मोदी क्या बोलोगे आप, इस्तीफा देवो? हाँ लड़का वाला दिमाग उसका लड़का, जो आदमी की उम्र होता है ना तो बचपन के दिमाग हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी भैया ईवीएम पे, ईवीएम जो इलेक्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, मुखिया के चुनाव ना भाई मोदी लड़ जीत सका हूँ। ये बात सही है, नियम हटा दो तो मोदी मुखिया के चुनाव न जीत सका हूँ। सही बात है, बेईमानी वाला सिस्टम था, विषय में पता चल गया होता। भारत में जितने भी पावरफुल देश है, बात सुनिए हम क्या कर रहे हैं, भारत में जितने भी पावरफुल देश है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जो भी बड़ा बड़ा देश है वहाँ पर ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। ईवीएम क्या है, एक तरह का मशीन है भैया, उसको तार चेंज कर इधर सुधर कर, अभी हम जो सुप्रीम कोर्ट का जो हाई बेंच का जो जज था, अगले 31 तारीख को हुआ था ईवीएम पे हटाओ, जब सुप्रीम भाई 70 साल से अभी जितना देश चल रहा है 70 साल 75 साल जो हो चुका है, इतना दिन से आज तक कोई भी वकील कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ईवीएम के खिलाफ आया था? बात समझिए, ये स्ट्रेटेजी है। और किस देखिए सबसे बीजेपी की सबसे बड़ी फैक्ट चीज़ है, अगर आप ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं, आप मोदी के बारे में बोल रहे हैं, आप हिंदू नहीं हैं, इस बात को समझिए। आप हिंदू अब अगर आप मोदी के बारे में बोल रहे हैं, आप हिंदू नहीं हैं, इस बात को समझिए। आप आतंकवादी हैं, इस बात को समझिए। नहीं एकदम 100% श्योर नहीं, इस बात को बात सुनिए कौन गायता हिंदू है तो हिंदू नहीं है, यही कहना है। इस तरह से गलत है, सुनिए बात सुनिए पहले बात सुनिए लोग नरेंद्र मोदी कौन संविधान में संशोधन किया है, कब हिंदू है क्या आतंकवादी है, समझिए। आरजेडी संविधान को मानते हैं, संविधान संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, नरेंद्र मोदी क्या है, संविधान में लिखे थे। सुनिए ना आप बात समझ नहीं रहे, बोलिए ना, लोगों के बीच में मानसिकता बन गया है, अगर आप मोदी की बात नहीं मानते हैं तो आप देशद्रोही हैं, ये विरोध। हम इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मानकर लोग सही कर रहा है मोदी को बात को, नहीं नहीं देखिए बात नहीं समझ का नाम है कि अगर मोदी की बात नहीं मानिएगा तो लोग कहेंगे कि आप विरोध हो, आपका बात मानेंगे सही कहेंगे, इस बात करना चाहते हैं समझ रहे हैं कैसे समझ नहीं, ये स्ट्रेटेजी क्लियर किया जाता है। आज सबसे बड़ी चीज है कि अब लास्ट में बात खत्म करेंगे, हमको रोजगार चाहिए, जो 18% जीएसटी एजुकेशन पर लगा उसको हटा दीजिए। आप कुछ दिन पहले दूध दही पैकेट रेपेट जमकिन घर का जो चीज़ है, दूध हो गया दही हो, जो सील पैकिंग आता है उस पर टैक्स लगा, उस पर आप मुफ्त कीजिए। भारत में पहली सरकार, पूरा विश्व में पहली सरकार है जो दूध दही मक्खन ब्रेड टोस्ट पाउडर उस पर टैक्स लगाई हुई है, इसको आप हटाइए, ये आपकी निगेटिविटी है, इसे आप जीत नहीं सकते हैं। और इलेक्शन डिपार्टमेंट ना है, नहीं वो मोदी का डिपार्टमेंट हो गया है, जैसे मन तैसे चुनाव कर रहा है, टेंशन नहीं लिया, साफ शब्द में 2024 में मोदी का पत्ता साफ है, 2024 में मोदी का पत्ता साफ है। हाँ साफ है। आप कैसे कर रहे हैं, आपका उम्र कितना पड़ा हुआ है? अभी एज 17 साल। वोट देने का अधिकार है, दो साल 17 पार कर चुका है, 24 लास्ट में चुनाव, 18 पूर्ण को इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया है, टेंशन मत लीजिए। मोदी का पत्ता साफ है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे और बिहार में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे। बाबा जी आप बताइए कि आप किनको सरकार चाहते हैं, मोदी जी या तेजस्वी यादव? ना बिहार में तो तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव उनका है, मोदी जी का है, मोदी जी तो सबको कहना है मोदी जी राम को लाया था, राम तो ये सबसे राम नहीं रहेगा तो कोई आदमी काम नहीं करेंगे,
राम तो सबके हृदय में। 2014 से पहले राम जी नहीं थे, इस बात 2014 से पहले राम जी नहीं थे। तारीख का औकात है राम को लाने के, राम तुमको लाए हैं, तुम क्या राम को लाओगे? देख सकते हैं कि हम पटना जंक्शन पर थे और यहाँ का पब्लिक को क्या विचार था, तो वीडियो कैसा लगा? तो अच्छा, छोटा सा कमेंट कीजिएगा, क्या सोचे आप लोगों का, किनका सरकार चाहिए 24 में? मिल जाएंगे।